हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अनुकल्प में। और आज राजस्थान हिस्ट्री की अगली क्लास लेके आया हूँ। इस क्लास के अंदर हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और वर्तमान में जो भी एग्ज़ाम है या फिर फ्यूचर में जो एग्ज़ाम है उनके अंदर कौन से प्रश्न आ सकते हैं उनके बारे में देखेंगे और उनकी डिटेल में व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा सकते हैं आप। ठीक है, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आपका लिंक नीचे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने राजस्थान हिस्ट्री के अंदर एंशेंट हिस्ट्री राजस्थान की हमने अब तक अच्छे से पूरी कर ली है। उसके अलावा हमने राजस्थान की मिडाइवल, राजस्थान का मध्यकालीन जो इतिहास है हमने वो भी देख लिया है और अब हम राजस्थान का आधुनिक इतिहास जो है उसके अंदर हमने अब तक एक जो क्लास है वो ली है, जिसके अंदर हमने राजस्थान की रियासतें और ब्रिटिश की जो संधियां हैं उनके बारे में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखा था और उनकी विस्तृत व्याख्या देखी थी। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का, जो कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम के अंदर आपको वहाँ से 2 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की और वो भी राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, तो राजस्थान के संदर्भ में 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भी अधिक बार जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर पूछा गया प्रश्न, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए और कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ का AGG कौन था। ठीक है, तो यहाँ जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जो 1832 के अंदर अजमेर में एक राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो उसका जो मुख्य अधिकारी होता है AGG, ठीक है, वो जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस था। ठीक है, तो उसका मुख्यालय है वो अजमेर में था। ठीक है, उसके अलावा 1845 में उसको माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थीं। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है और ये ग्राम विकास अधिकारी जो हो गया अभी उसमें भी पूछा गया है ये प्रश्न। तो जब 1857 का जो विद्रोह हुआ उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थीं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 सैनिक छावनियां थीं। ठीक है, तो हम देखते हैं एक उनको कौन कौन सी थी। तो जो नंबर 1 पे हमारे पास है वो होती है बंगाल इन्फेंट्री वाली। ठीक है, और ये यहाँ ये थी नसीराबाद के अंदर। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 वो मेरवाड़ा जो थी ब्यावर के अंदर। ठीक है, उसके अलावा कोटा में थी जो कि देवली। ठीक है, उसके अलावा एरिनपुरा और खेरवाड़ा और नीमच। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास 6 सैनिक छावनियां थी उस समय, नसीराबाद, ब्यावर, अजमेर, देवली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और नीमच। ठीक है, आगे देखते हैं 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। ठीक है, तो ये हमने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने मेरवाड़ा बटालियन जो बनाई गई थी उसके बारे में काफ़ी अच्छे से देखा था। ठीक है, और ये जोधपुर के अंदर है। ठीक है, तो
हमारी जो पिछली वीडियो है वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है राजस्थान हिस्ट्री के नाम से, ठीक है। और उसके अलावा हमारे जो पॉलिटिकल की क्लास हैं वो पूरी हो चुकी हैं, तो आप पॉलिटी की क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है, राजस्थान पॉलिटी की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, ठीक है। आप ये जरूर देखा करें जब भी एग्ज़ाम दें कि नहीं को तो वहाँ पे राउंड कर दें, ताकि ध्यान रहे कि आपको नहीं वाला, क्योंकि काफ़ी सिली मिस्टेक के कारण गलती हो जाती है। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, ठीक है, केंद्र नहीं था पूछा है। तो जयपुर जो है वो केंद्र नहीं था, अजमेर में, ठीक है, हुई थी क्रांति, नीमच में हुई थी, आहवा में हुई थी, ठीक है। और नीमच और अजमेर की जो ब्यावर है वो तो सैनिक छावनियाँ थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये काफ़ी बार हर बार पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट की लिस्ट में रखिए और इसे ध्यान में रखिए हमेशा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति है वो 28 मई, ठीक है, 1857 को नसीराबाद में, जो अजमेर में जगह है, वहाँ से शुरू हुई। उसमें क्या हुआ कि एक न्यूबरी, ठीक है, नाम का एक अधिकारी था, उसको मारकर और नसीराबाद में वहाँ से शुरू हुई थी। अब आपसे कोई पूछे कि शुरू हुई लेकिन समाप्त कहाँ हुई, तो आखिर जो लास्ट वाली जो क्रांति थी वो सीकर में हुई थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, ठीक है, तो 1857 में जो नसीराबाद की बटालियन है उसका क्या नाम था, उसका नाम था बंगाल इन्फेंट्री, ठीक है, तो वो भी कौन सी, 15वीं, ठीक है, 15वीं इन्फेंट्री बटालियन, ठीक है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। और जैसा कि आपको पता ही है, राजस्थान के जो एचजी थे उन्हें उस समय सोचा कि अजमेर में एक 15वीं बटालियन थी जो ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, तो मेरठ में जो विद्रोह की भावना लेकर आई, ठीक है, तो क्या हुआ कि इस इन्फेंट्री को नसीराबाद में भेज दिया गया था, ठीक है, मेरठ वाली को। तो सैनिकों में विद्रोह की भावना हुई, ठीक है, चर्बी वाले कारतूस जो आप, ठीक है, उसके अलावा सैनिकों में संदेह उत्पन्न हो गया था, जिस कारण फिर ये यहाँ से विद्रोह शुरू हुआ, नसीराबाद से विद्रोह शुरू हुआ, सीकर में जाकर ख़त्म हुआ, ठीक है, आखिरी क्रांति। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, ठीक है, तो 15वीं इन्फेंट्री बटालियन, ये दोबारा आ गया प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व करने वाले थे। काफ़ी अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, इसे अब बार बार पूछा जाता है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए। कोटा में जो हुआ था उस समय कौन थे, तो उस समय थे लाला जयदयाल और मेहराब खान। तो क्या होता है कि जो कोटा है इसमें जो जन विद्रोह हुआ, जो एकमात्र यही एक सैनिक छावनी में होते हुए कि मतलब 6 माह तक जनता का शासन रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पे ही की जो एक कोतवाली थी उसके ऊपर झंडा फहराया गया था, ठीक है, और 15 अक्टूबर 1857 को मेहराब खान, ठीक है, उसके अलावा लाला जयदयाल, ठीक है, तो इनके नेतृत्व में राज्य में की जो सेना है उसमें विद्रोह हुआ। और जो यहाँ पे एक मेजर बर्टन, ठीक है, वह सर्जन सेल्डर, ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई थी, और जो बर्टन का जो सर काट के पूरे शहर में घुमाया गया था, तो राज्य की जो सत्ता है अपने हाथ में ले ली थी। और इस विद्रोह का दमन है वो मेजर जो रॉबर्ट्स है उसने 1858 में किया था, ठीक है, 1858 में मार्च, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंपनी
अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई। ठीक है, तो ये तो प्रश्न है, ये पूछ रहा है कंपनी का कौन सा अधिकारी था जिसकी 1857 में कोटा में हत्या की गई, मेजर बर्टन की इसका गर्दन काट दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नीमत छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी पहुंचे? नीमत से जो विद्रोह हुआ तब सैनिक कहाँ पहुंचे? तो ये बात है 3 जून 1857 की। ठीक है, तो क्या होता है कि नीमत से सैनिक चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो सैनिकों ने विद्रोह का किया तो कैप्टन जो मैकडोनाल्ड है, ठीक है, वो किला बचाने के लिए असफल उसका था प्रयास। ठीक है, तो उसके बाद जो सैनिक थे वो वहाँ से चले, और वहाँ चलने के बाद उन्होंने देवली, ठीक है, उसके बाद में चित्तौड़, उसके बाद शाहपुरा, ऐसे होते हुए दिल्ली पहुँचे। तो यहाँ पे देवली रहे है, तो देवली रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? उससे पहले हम थोड़ा सा एक कोटा का ही एक प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे कि 1857 जो वहाँ पे 1858 में करौली के एक महारावल थे मदनपाल, ठीक है, तो उनकी सेना ने आकर कोटा के जो महाराव है उसके क्रांतिकारियों को नज़रबंदी से मुक्त करवाया था। ठीक है, तो वहाँ पे उस समय जयदयाल और मेहराब खान जो कोटा की एजेंसी थी उसके पास एक पेड़ था, नीम का पेड़, वहाँ उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और इससे एक प्रश्न और बन सकता है कि जैसे जो लॉर्ड रॉबर्ट है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता में एक आयोग हुआ था गठित, जिसमें इनको दोषी करार देते हुए इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, हाँ, जोधपुर का महाराजा कौन था? ठीक है, तो उस समय जोधपुर का महाराजा था तख्त सिंह। ठीक है, अब तख्त सिंह के बारे में हम जाने, तब हम अहुआ के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो अहुआ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, उनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के जो महाराजा थे तख्त सिंह, वह वहाँ जो कैप्टन था उसका नाम था हीथकोट। ठीक है, तो उसकी सेना के सेना और अहुआ के जो निकट एक जगह पड़ती है बिथोड़ा। ठीक है, वहाँ पे 8 सितंबर 1857 को उनको हरा दिया, और जो हीथकोट था कैप्टन उसको पीछे हटना पड़ा। तो इस जो हार के से झुंझला कर जो वहाँ उस समय एजीजे था पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, उसने अजमेर से सेना लेकर गया, तो एक जगह पड़ती है चेलावास। ठीक है, चेलावास, और उस चेलावास जगह पर 18 सितंबर को 1857, ठीक है, वहाँ पे युद्ध हुआ और वहाँ पे भी उनको हार मिली। ठीक है, तो इस युद्ध में जो जोधपुर का जो वो था पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, मैकमोहन और नहीं सॉरी मोक मैसन, और एक था और एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, तो क्रांतिकारियों ने मैक मैसन को मार दिया। ठीक है, और इन्होंने अहुआ का जो किला था वहाँ पे मैक मैसन के जो सर को वहाँ पे दरवाजे पे टांग दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य और बनते हैं, जैसे कि एक प्रश्न बन सकता है गोरा कालों का युद्ध। ठीक है, तो जो गोरा कालों का युद्ध है वो किसको कहते हैं? तो गोरा कालों का जो युद्ध है वो 24
जनवरी 1858 को सेना पर अधिकार कर लिया गया था, ठीक है, उस समय। तो इसी युद्ध को गोरो कालो का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, औवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिक एजेंट को हत्या कर दी गई, ठीक है, तो मक मैसन की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय औवा के ठाकुर कुशाल सिंह किस स्थान पर सामंत की आसरण दी गई, ठीक है। ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे जो कोठारिया है, ठीक है, इनके यहाँ शरण दी गई। अगला प्रश्न बनता है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गए, ठीक है। तो बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की, ठीक है। वहाँ पर एक बाड़लू नामक स्थान पर विद्रोहियों को पराजित किया, बदले में अंग्रेजों ने उन्हें उपहार स्वरूप 41 परगने दिए गए थे, ठीक है। बीकानेर आएगा यहाँ पे सरदार सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया, ठीक है। तो यहाँ पे सरदार सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सैनिक छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी। तो यहाँ पे बनता है, एरिनपुरा छावनी में 21 अगस्त को, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो पुत्र था उसको मारकर, ठीक है, विद्रोह किया और नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ठीक है, और वो दिल्ली की तरफ कूच किया, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है, राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिसने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के समय फांसी पर लटकाया गया, ठीक है। तो 1857 के समय फांसी पर लटकाया गया था अमरचंद बाठिया जी को, ठीक है, शहीद अमरचंद बाठिया। तो 1857 के समय फांसी पर लटकने वाला प्रथम क्रांतिकारी था वो अमरचंद बाठिया था। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसके अलावा क्या प्रश्न बन सकता है, तो ये जनमानस के दूसरे मामा कौन थे, अमरचंद भाटिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका ग्वालियर में काफ़ी अच्छा कारोबार था और उन्होंने क्रांतिकारियों की सहायता की थी, ठीक है, इसलिए। और एक इसके अलावा हम बात करें धौलपुर का जो शासक था, तो उन्होंने धौलपुर का जो विद्रोह है, तो धौलपुर का विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 को हुआ, ठीक है। तो यहाँ की जो जनता थी तो उनमें देवा गुजर, रामचंद्र और ईरा लाल राणा, ठीक है, उनके नेतृत्व में धौलपुर विद्रोह हुआ, ठीक है, और उन्होंने धौलपुर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। जिसके 2 महीने बाद क्या होता है कि जो पटियाला के जो नरेश हैं और वहाँ के जो भगवंत सिंह जी राजा थे उन्होंने मिलकर इनको धौलपुर को आज़ाद करवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था, ठीक है। उस समय कैप्टन सावर्स थे, ठीक है। एक बार हम इनको देख लेते हैं क्योंकि बहुत बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के समय एजीजी तो था लॉरेंस पैट्रिक, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस। उसके अलावा मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मॉक मैसन, ठीक है। मेवाड़ का था मेजर सावर्स, कोटा का था बर्टन,
बटन, ठीक है, जयपुर का था कर्नल हिडन, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें, ठीक है, जितने भी ये पॉलिटिकल एजेंट हैं ये, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार। अगला प्रश्न, 1857 क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ठीक है, तो मॉरिसन, ठीक है, भरतपुर का मॉरिसन हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदाल मेहराब खान कहाँ के निवासी थे, ठीक है, तो ये लोग मथुरा और करौली के निवासी थे, ठीक है। और आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा प्रॉब्लम का, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए राजस्थान के जीके के लिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलेंगे।